स्वास्थ्य मंत्रालय ने 15 से 18 साल के एज ग्रुप के लिए शुरू होने वाले वैक्सीनेशन और हेल्थ वर्कर्स को प्रिकॉशन डोज को लेकर जो राज्य सरकारों के साथ बैठक की। इस दौरान राज्यों के मुख्य सचिव और चिकित्सा अधिकारियों को टीकाकरण पर निर्देश दिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार 15 से 18 साल के एज ग्रुप के किशोरों के लिए शुरू होने वाले टीकाकरण के लिए सिर्फ कोवैक्सीन टीके का विकल्प होगा। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सौरभ गांगुली को कोलकाता के वुडलैंड अस्पताल में भर्ती कराया गया। सौरभ गांगुली के कोरोना सैंपल को अब जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है ताकि ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच की जा सके। भारत में एक दिन के भीतर कोरोना वायरस के 6,358 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 6,450 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। अब देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 75,456 हो गई है जबकि कुल रिकवरी दर 98.40% है। देश में वायरस के कहर को रोकने के लिए टीकाकरण की गति बढ़ा दी गई है। अब तक वैक्सीन की 142.47 करोड़ डोज दी जा चुकी है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से दिल्ली में पाबंदियों का दौर लौट सकता है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू फिर से लगाया जा चुका है। वहीं आने वाले वक्त में दिल्ली में और प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं जिन पर आज अरविंद केजरीवाल ने बात भी कही है।